ये कहाँ ले आए आप मुझे? हम दोस्त हैं ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, दोस्त का दोस्त पे कितना हक होता है? पता नहीं, मगर आपका तो बहुत है मुझ पे। क्या कर सकती है मेरे लिए? क्या चाहिए आपको? चलो गाड़ी से उतरो। मुझे घबराहट हो रही है सर, प्लीज बता दीजिए। ये तुम्हारी मामा का घर है, बैठ जाओ। आपने ऐसा क्यों किया सर? अपना हक समझ कर। आपने बहुत ज्यादती की है सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादती? तुम समझती हो कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर सकता हूँ? मेरी जान, मेरी तो देखो ना, आप इसको जबरदस्ती लेकर आए? जबरदस्ती नहीं, ये मेरी छोटी सी दोस्त है, इसके साथ मेरा दुख सुख का रिश्ता है। मैंने जो इसके लिए बेहतर समझा वही किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसके साथ जबरदस्ती मत कीजिए। जब इसका खुद दिल चाहेगा तब आप इसे ले जाइए। देख रहे हैं क्या हालत हो रही है इसकी? मुझे खुशी होगी अगर हया दुनिया की इस खूबसूरत मोहब्बत को ठुकराने के बजाय कबूल कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी जरूरत महसूस हुई तो इज माय कॉल। मैं इंतजार करूंगी। राइट। चले लिटिल गर्ल, सुनो तुम अपने राइट से नहीं। आज आप हमारा रास्ता रोक रही हैं? आप कहीं जा रहे हैं? मैं भी चलूं आपके साथ? मेरे साथ? मेरा बहुत जी करता है पापा, मैं आपके साथ हर जगह जाऊं। हर जगह ना सही, कभी कभी कहीं कहीं। अरे बेटा ये क्या बात हुई भला, इस एज के बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं घुमा करते, उनकी अपनी मसरूफियात होती है। और देखो ना, तुम्हारे पापा कोई आम लोगों में से थोड़ी नहीं, और ना ही तुम्हारे पापा आम लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं, समझी? ना देखो यार, तुम ऐसा करो, तुम दादी के साथ कहीं घूमा, और ये लो मेरे लिए भी आइसक्रीम लेके आओ। नो थैंक्स, मेरे पास काफी पैसे हैं, आप लोग जाओ। अरे अच्छा, दैट्स गुड, चलो उसमें लेट्स गो। क्या हुआ है यार? अरे मेले बच्चे क्या हो गया? हाँ दादू को तो बताओ। क्या बात? मैंने पापा के साथ जाना था और
वो जो है ना, वो कहती हैं कि मैं नहीं जा सकती। अरे इतनी सी बात पे नालाज हो गया मेरा बच्चा है? अरे नहीं बेटा, ठीक ही तो कहती हैं अम्मी। हम्म, अम्मी? अच्छा, मिसेज अली हैदर। नहीं बेटा नहीं। हम्म, ना मेरा बच्चा, मेरा बच्चा ऐसी बातें नहीं करता। हम्म, अच्छा छोड़ो, इधर आओ, ये देखो देखो तुम्हारी मम्मी। आप तो कहती थी इन्हें सियासत से नफरत है। हाँ बेटा, नफरत तो थी, मगर अब पता नहीं कैसे इंसान ठहरा हुआ पानी तो होता नहीं बेटा, उसे भी हक के अपने ख्यालात बदलने का। अच्छा छोड़, तुम चलोगी मेरे साथ? कहाँ? अपनी मम्मी से मिलने के लिए। अरे बेटा, वो बहुत बेचैन है तुमसे मिलने के लिए, बार बार फोन कर रही है। मैंने उससे वादा कर लिया है कि मैं तुम्हें जरूर उससे मिलवाने के लिए ले जाऊंगी, वरना वो तो खुद आ रही थी यहाँ तुम्हें मिलने। क्या हुआ बेटे? आपने मुझसे पूछे बगैर वादा क्यों किया? अरे बेटा, वो माँ है तुम्हारी, तड़प रही है तुमसे मिलने के लिए, वो यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने और तुमसे मिलने के लिए आई है, वरना वो तो वहीं पर। हाँ वो तो बाहर से ही नजर आ रहा है कि वो किससे मिल रही है। मैं जा रही हूँ। कहाँ बेटा? बाहर। हेलो। हाय। इतनी रात को और ये चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? शक्ल ही ऐसी है। अच्छा, कब पता चला? हमेशा से पता। आओ अंदर आओ। आप मेरे साथ कहीं और नहीं जा सकते? कहाँ जाना है तुम्हें? ऐसे ही आउटिंग के लिए आइसक्रीम खा लेते हैं, पैसे हैं मेरे पास। पैसों को छोड़ो, इजाजत लेके आई हो? मिस्टर एंड मिसेस अली हैदर तो किसी स्पेशल जगह पे गए हैं, जहाँ हम लोग नहीं जा सकते। सिर्फ दादू हैं घर पे। ओ चलो, तुम दादू से ही बात कर लो, ठीक है? ये लो। दादू, मैं सर के साथ कहीं घूमा यूं ही आइसक्रीम खाने। हाँ प्रॉमिस, जल्दी आ जाऊंगी और जिंदा भी। बाय। मैं चाबियां लेके आया। ओके लेट्स गो। कौन सी आइसक्रीम पसंद है? उसे बार बार छू के देखना चाहती हूँ। I know, वो मुझसे बहुत खफा होगी, झगड़ेगी भी, बल्कि खूब झगड़े मुझसे। पहले मैं उसकी सुनूं, फिर वो मेरी सुने। दुल्हन, तुम आज भी वैसे ही तनहा हो जैसी हमेशा से थी। हमेशा इतनी तनहा कहाँ थी अम्मा, जितनी आज हूँ। इन 13 वर्षों में मैंने तन्हाई को मुठिया भर भर के ऐसे भांगा है जैसे जैसे सहरा में भूख और प्यास अनिठाल इंसान रेत भांगता है। अम्मा अम्मा, मुझे मेरी हयातें दे, मुझे मेरी बेटी दे दे अम्मा। अरे बेटी, तुम्हारी मम्मी आई है, तुम्हें मिलने आई है बेटा। अरे वहां खड़े खड़े क्या मुंह देख रही हो बेटे? आओ ना, अपनी मम्मी से मिलो, आओ। We'll be right back.
अया बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। अरे बेटा थोड़ी देर के लिए सही, अपनी दादू की बात मान लो बेटा, खोल दो दरवाजा। नहीं दादू, मैंने नहीं खोला, मुझसे कहे चली जाए, चली जाए। अरे मेरी जान, मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा, दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है बेटा, क्या देख रहे हो? कार्टून फिल्म देख रही हूँ। I wanted to talk to you. टीवी क्यों बंद कर दिया पापा? मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बात बाद में भी हो सकती है, जरूरी नहीं आप अभी आके मुझे डिस्टर्ब करें। माइंड योर लैंग्वेज बेटा, ये तरीका है अपने बाप से बात करने का? बाप, सॉरी टू से पापा, बट यू आर नॉट माई बाप, यू आर ओनली अ मिनिस्टर, अ पावरफुल मिनिस्टर। शट अप। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारा बाप नहीं, सिर्फ एक मिनिस्टर? और तुम क्या लगती हो मेरी? अब देखो बेटा, रिश्तों को डिसऑन करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि इंसान बहुत कुछ खो देता है। अपनों पर चीखने चिल्लाने का हरगिज ये मतलब नहीं कि हम उनकी परवाह नहीं करते। दरअसल जब हम बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं तभी इस तरह शोर मचाते हैं। कोई और इस शोर को समझे या ना समझे, माँ बाप जरूर समझते हैं। मैं तो खैर, मेरी बात छोड़ो, लेकिन जिस तरह कल तुमने अपनी अम्मी के साथ बिहेव किया, तुम्हें अफसोस नहीं है इस बात का? मुझे बहुत अफसोस है, बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं मैं। तुम ये समझती हो ना कि तुम्हारी अम्मा एक सेल्फिश औरत है, तुम्हें छोड़कर वो लंदन चली गई, लेकिन तुम खुद सेल्फिश नहीं हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि वो मेरी वजह से, मेरी बेवकूफी की वजह से हमें छोड़कर तुम्हारे भाई को लेकर किस तरह लंदन के अस्पतालों के धक्के खाती रही है? किस तरह तुम्हारी याद में तड़पती होगी? अगर नहीं सोचा तो फिर सोचो। रिश्तों को डिसऑन करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि इंसान बहुत कुछ खो देता है। मुझे खुशी होगी अगर हया दुनिया के इस खूबसूरत मोहब्बत को ठुकराए नहीं, कबूल कर। क्या बातें करनी है मेरी पोती ने? आज मैं बहुत खुश हूँ दादी माँ। क्यों भाई? ये कितना अच्छा घर है ना दादी माँ, छोटा सा, दूसरे घरों की तरह।
जहाँ पे सारे लोग मिलकर थोड़े से कमरों में इकट्ठे रहते हैं। कभी कभार मेरा भी दिल करता है कि हम बहुत सारे होते हैं। मेरी चार बहनें होती, दो मुझसे छोटी और दो मुझसे बड़ी। दो बड़ी और दो छोटी, क्यों भाई? जो दो मुझसे बड़ी होती वो मेरा ख्याल रखती, मेरे से प्यार करती और मैं उन्हीं के साथ सोया करती। और जो दो छोटी होती उनका मैं ख्याल रखती और उनके साथ खेलती। कितना मजा आता ना दादू। अरे मेरे बच्चे, हम अब भी कम नहीं है बेटा, चार हैं माशाल्लाह से। फिर तुम्हारी मम्मी है बेटा, तुम्हारा भाई है। काश कुदरत ने उसे मुकम्मल इंसान बनाया तो कितना अच्छा होगा। आपको पता है दादी माँ, मैं इस घर में आके इतना खुश क्यों हूँ? क्यों? क्योंकि हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहेंगे। और पापा भी मुझे इस घर में हर जगह हर वक्त नजर आया करेंगे। और उनका कमरा भी हमारे कमरे के बिल्कुल साथ है ना, बस बीच में एक दीवार है। हाँ बस एक दीवार ही तो है हमारे बीच। और आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है? किस बात की बेटा? पापा आप मिनिस्टर नहीं रहे। मैं जानती हूँ। आपको भी इसी बात की खुशी है ना मेरी, है ना? मेरा बच्चा। इधर आओ बेटा। वो तुम्हारे इम्तिहान होने थे ना? इम्तिहान? कौन से इम्तिहान पापा? क्लास 7 के हैं ना? जी। कब हैं? वो तो हो गए पापा। हो भी गए? अच्छा फिर तो अब मजे कर रही होगी तुम तो? जी। और क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं। वो तुम्हारे सर, क्या नाम है उनका, सर हमजा, उनका क्या हाल है? ठीक है। बेकार बैठने से बेहतर है कि तुम उनसे कुछ सीख लो। वो सिखाती नहीं है। क्यों नहीं सिखाते? वो कहते हैं तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है, ये बोरिंग काम मत सीखो। खैर कहते तो वो भी ठीक है। आप अभी तक यहीं बैठे? मैं तो समझ रही थी चेंज कर लिया होगा आपने। बस हया बेटे से कुछ बातें कर रहा था। आज तो मिनिस्टर साहब बहुत खुश नजर आ रहे थे आपसे। शायद। पता है हैदर, उनकी वाइफ ने कल मुझे चाय पे बुलाया है। Really? मैं जाऊं पापा? कहाँ जा रही हो? यूं ही सर से गपशप करने। अच्छा जल्दी आ जाना। ये कौन सा टाइम है आने का? सॉरी मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस खामोशी से साइड पर बैठ जाऊं। खामोशी से आप घर पे भी बैठ सकती थी। तुम आराम से नहीं बैठ सकती? पिछली दफा भी कुर्सी तोड़ दी थी। मेरा बातें करने को जी चाह रहा है सर। सो मैं क्या करूं? आप बोर नहीं हो रहे सर? नहीं। तो मैं तो हो रही हूं ना। मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं।
सिर्फ कॉफी बनाते हैं। याद है आपने रुचिता प्रॉमिस किया था? कॉफी इस वक्त सुबह पीते हैं, कॉफी रात में नहीं। और वैसे भी इस वक्त तुम्हें घर होना चाहिए। घर इतला भी किया कि नहीं? कर दी थी, दादो को भी और पापा को भी। शुक्र है। आज आपको एक खास बात भी बतानी थी सर। क्या खास बात है सर? दादो बता रही थी के सर मम्मी वापस आ रही हैं हमेशा के लिए। Really? That's great. तुम्हें तो खुश होना चाहिए, परेशान क्यों हो? लेकिन वो क्यों आ रही हैं सर? What do you mean? I don't know sir. I'm afraid. इसे डर नहीं कहते पागल लड़की। ये एक ऐसी फीलिंग है जो किसी बहुत ही प्यारे को मिलने से पहले होती है। हमें ऐसे लगता है जैसे कुछ होने वाला है और हम शायद फेस ना कर पाए। मम्मी हमारे साथ तो नहीं रह सकती ना सर? इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी मामा वापस आ रही है। एंड आई एम श्योर वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आ रही होंगी। नहीं सर, वो मेरे लिए नहीं आ रही। जो शख्स उनके बिजनेस को संभालता था उसकी डेथ हो गई है, वो अपना बिजनेस संभालने आ रही है। डोंट से दैट लिटिल गर्ल। मोहब्बत सिर्फ वो नहीं होती है जो हमारी शरायत पे उतरती हो, मोहब्बत वो भी होती है जिसकी कुछ अपनी शरायत होती है। नॉर्मली बच्चों को माँ बाप का प्यार समझ में नहीं आता क्योंकि वो हमारी शरायत पे पूरा नहीं उतरता। समझ आई? आ जाएगी। बेबी आपका फोन है। मेरा? कौन है? वो अपना नाम हिजाब बता रहा है। कहाँ से कर रही हैं फोन? जी यहीं से। मेरे ख्याल में अम्मा वो हया से बात करना चाह रही है। जाओ बेटा जाके फोन सुनो। उनसे कह दो।